अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत अली शास्त्रीपुरम में आज जैसो करीब जैसो 28 साल से हूँ मैं यहाँ, जबकि यहाँ पर कोई आबादी भी नहीं थी और जैसो नैब के बहुत कुछ जैसो नैब के पार्का वगैरह सब खाली थे। तो यहाँ सोसाइटी जो है हाउस एंड बिल्डिंग सोसाइटी असल वो, लेकिन ये लोग जैसो नैब के उसका नाम बदल के हाउसिंग सोसाइटी बोल के चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये लोग जो है एक ऐसे अंदाज में जैसो काम कर रहे हैं कि बस्ती के लोगों को जो है ना कोई मेंबरशिप नहीं देते। जो पुराने लोग यहाँ पे जो खरीदे थे पहले, वो उनको मेंबरशिप है, जो 2000 मेंबर है शास्त्रीपुरम हाउसिंग सोसाइटी के। शास्त्रीपुरम सर्वे नंबर कौन सा था? सर्वे नंबर 134/20। समझे? तो यहाँ पे जो है वो लोग जो है जिस वक्त जो है सो यहाँ पर से प्लाट्स बेच दिए, सेकेंड परचेसेस जो करे उनको जैसे मेंबरशिप जैसे ने आपके नहीं दिए, किसी को भी नहीं दे रहे, नहीं दे के जो है एक मानोपल्ली चल रही कि जो है हम जैसे ने आपके पुराने सोसाइटी के लोग आए, हम ही जैसे जो भी करना है करेंगे। ये शास्त्रीपुरम कॉलोनी 1988 में जो है हुडा अप्रूवल हुआ, उससे पहले जो है 1981 में ग्राम पंचायत था यहाँ पे, ग्राम पंचायत में जैसो न्याय के अप्रूवल था। ये जब जैसो 1986 में म्यूनसिपल बना तो ग्राम पंचायत जो है यहाँ पे म्यूनसिपल वालों को जैसो न्याय के हैंड ओवर करे, तो म्यूनसिपल वाले बोले हम इतनी बड़ी कॉलोनी को डेवलपमेंट नहीं दे सकते, लिहाजा जैसो न्याय के हुडा में जैसो आप लोग अप्रूवल हो जाए। तो जब जैसो न्याय के 2 साल जो है मेहनत करके जो है हुडा में अप्रूवल करवाए इसको, तो कुछ विटामिन चार्जेस देने के वास्ते सोसाइटी के पास पैसे नहीं थे, तो एक एग्रीमेंट हुआ कि जैसो ने आपके जितने जैसो ने आपके ओपन प्लेसेस है वो जैसो ने आपके वैसे ही रहेंगे, उसको जैसो डेवलप करना है तो हुडा जैसो डेवलप करेंगी, और जैसे रोड अगर जो और जैसो ने आगे दूसरे चीज़ें जो है सोसाइटी अपने पैसों से उसको डेवलप करेंगी। मगर जो है कोई काम सोसाइटी नहीं करी, जो भी काम हुआ जैसो ने आपके ऑफिशियल तौर पर पोलिटिकल तौर पर बहरहाल जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर आया आखिरी में जैसे ने सेवरेज लाइन और पानी की लाइन के वास्ते बहुत कुछ जैसे जद्दोजहद करते हुए कोर्ट को अप्रूवल हुए। हम जैसे ने आके शास्त्रीपुरम में कुछ कारखाने थे जो पोल्यूशन हो रहा था, तो उसके ऊपर जैसे ने कोर्ट जैसे इंस्ट्रक्शन दिया पहले डेवलपमेंट दो शास्त्रीपुरम में बोल के, तो उस पर जैसे ने आके डेवलपमेंट आ रहा है यहाँ पे, कुछ पोलिटिकल इन्फ्लुएंस लग के डेवलपमेंट आ रहा, बहरहाल जैसे डेवलपमेंट आ रहा शास्त्रीपुरम जैसे सोसाइटी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, जीरो डेवलपमेंट है उनका। मगर जो प्लाट इंफर्मेशन లేదు ఏంటిది అని అంటే మీ లాండ్ కాదు కదా మేము పర్చేసింగ్ చేస్తామని చెప్పారు, మరి త్వరగా ఈ కార్యాలు ఈ రీతిగా జరుగుతదని మేము ఎన్నడూ ఊహించలేదు, మా పిల్లలు మరి ఇరుగు పొరుగు వారు అలాగే ఈ ప్రాంతంలో ఈ గ్రౌండ్ సిట్యుయేషన్ లో ఉన్న మా అందరము ఈ గ్రౌండ్ కొంచెం డెవలప్ కావాలని గవర్నమెంట్ గాని మున్సిపాలిటీ గాని అప్రోచ్ చేసినా కూడా ఏమాత్రము వారు ఇప్పటిదాకా సంప్రదించలేదు, ఏమీ మాకు రిజల్ట్ ఇవ్వలేదు। అయినా సరే మా వంతు ప్రయత్నం మా ఉమ్రాన్ బాయ్ అలాగే ఈ గ్రౌండ్ దగ్గర ఉన్న వారందరం ఈ గ్రౌండ్ అందో సాఫ్ చేయడం మాత్రం కాదు ఇది డెవలప్ చేయడానికి మేమందు మా వంతు ప్రయాసం మేము చేస్తూ ఉన్నాం, కానీ ఇలాగ ఇది కబ్జా జరగడం చాలా దారుణం, అది ఏమాత్రము మేము అంగీకరించేది లేదు। గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఎవరికైనా అమ్మదలుచుకుంటే చర్చి వారికి మజీద్ వారికి అలాగే సొసైటీ వారికి మా మందిరం ఉంది ఇక్కడ గుడి ఉంది ఆ గుడికే ఈ ల్యాండ్ తప్పకుండా ఇవ్వాలన్నదే మా కోరిక। గాడ్ బ్లెస్ యూ।